10 नवंबर 2005 को 1:30 से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच है। दोनों ही टीमों के प्लेयर्स का प्रदर्शन कैसा रहेगा टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड्स क्या एनर्जी शो करते हैं प्लेयर्स के लिए, चलिए देखते हैं क्या पॉजिटिव कार्ड आते हैं या नेगेटिव कार्ड आते हैं, कैसा रहता है प्लेयर्स का प्रदर्शन। तो दो टीम है इंग्लैंड और इंडिया, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंडिया की टीम से कि 10 तारीख के मैच में इंडिया की टीम से रोहित शर्मा कैसा रहने वाला है, रोहित शर्मा का प्रदर्शन कार्ड्स के माध्यम से। वाव, अच्छा है, एक अच्छी शुरुआत करेंगे रोहित शर्मा और उनके लिए हम कह सकते हैं ही विल प्ले गुड। KL राहुल, राहुल के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, गुड, ही विल प्ले गुड। विराट कोहली, वेरी गुड, विराट कोहली का भी हमें यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। एस यादव, वाओ, वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड। ऋषभ पंत, ऋषभ, वेरी गुड। दिनेश कार्तिक, ओके, एवरेज। हार्दिक पांड्या, वेरी गुड, ही विल प्ले वेरी गुड। आर अश्विन, वेरी गुड एनर्जी। ए पटेल, वाव, ही विल प्ले वेरी गुड। बी कुमार, ओके, नेगेटिव। अर्शदीप सिंह, एवरेज। एम शमी, ओके, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने देखा कि कार्ड ने तो भारत की टीम के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी शो की है, बहुत ही मतलब बढ़िया प्रदर्शन हमें इंडिया का देखने को मिलना चाहिए। कार्ड्स की तो एनर्जी यही है कि काफ़ी अच्छा इंडिया को खेलना चाहिए। अब हम दूसरी टीम देखते हैं, इंग्लैंड की टीम, जॉस बटलर। 10 तारीख के मैच में जॉस बटलर के लिए गुड, ही विल प्ले गुड। मोइन अली, ओके, बैलेंस बना के खेलने की कोशिश करेंगे, गुड। हैरी ब्रुक, ओके, एवरेज। सैम करके जो प्लेयर हैं, गुड। लियाम लिविंगस्टोन, नेगेटिव। डेविड मलान के लिए गुड, ही विल प्ले गुड। आदिल रशीद, ओके, गुड। बैन स्टॉक्स के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, एवरेज। क्रिस वॉक्स के लिए, ओके, गुड, ही विल प्ले वेरी गुड। मार्क वुड, वेरी गुड। एलेक्स हेल्स करके जो प्लेयर हैं, ओके, गुड, ही विल प्ले गुड। तो इस तरीके से कार्ड्स ने जो प्लेयर्स के लिए एनर्जी शो की वही हमने आपसे शेयर की। थैंक यू।